स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप देख रहे हैं छोटी बड़ी पल पल की जानकारी के साथ टूटी फूटी आवाज़ में। मैं हूं रघुसा सीतापुर, प्रेम वाजपेयी। खबरों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि लोगों को जानकारी हो सके। आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें स्पष्ट नज़र आ रही हैं हमारे चैनल के कैमरे के माध्यम से, ये 12 नवंबर 2022 दिन शनिवार की हैं और काफ़ी चिंतित दिख रही हैं। एक लगता है दुख का पहाड़ टूटा हुआ है। ले चलते हैं, पूरी बात करते हैं इन तस्वीरों से। आखिर मामला क्यों है और इतना क्यों मायूस हैं, चिंता की लकीरें माथे पर क्यों दिखाई दे रही हैं। लेकिन जो बताते चलें कि मामला आ रहा है कि गत दिनों इनका लड़का गायब हो गया था, जिसकी गुमशुदगी थाने में दर्ज कराई थी। लेकिन पूरी बात करते हैं इन तस्वीरों से, खबर की तह तक जाते हैं कि मामला क्या है और किस गांव के निवासी हैं जो गुमशुदा हुआ था और उसका शव मिल चुका है, जैसा कि लोगों की द्वारा बताया जा चुका है, जा रहा है। पूरी खबर की तह तक जाते हैं। क्या नाम है आपका? जोर से बोलो। मौसमा। आप लड़के की माँ हैं? हाँ। जो गुमशुदा हुआ था। तुम्हारा नाम मौसमा है? हाँ। लड़के की माँ है जो गुमशुदा हुआ था। हाँ। लड़के का क्या नाम था? आजमुद्दीन। हाँ। अच्छा, आप कौन है उनकी? बीबी। आजमुद्दीन की आप कौन है? बीबी, बीबी हैं। अच्छा अच्छा, आप कौन है इनके? भाई है। अच्छा, आप लोग आप भाई हैं? क्या नाम है आपका? तुम अजमुद्दीन के भाई हो छोटू? पिताजी का क्या नाम है? मासूम अली। तुम लोग रिश्तेदार हो? घर कहाँ है आप लोगों का? मोहल्ला। ग्राम सभा कौन लगती है? चंद्र सैनी ग्राम सभा, और मजरा चंद्र सैनी का है मोहल्ला। थाना कौन लगता है? अच्छा, आप पूरी बात बताइए। ब्लाक रौसा। थाना रौसा, ब्लाक रौसा लगता है जैसा कि बताया गया। पूरी बात बताइए, ये क्या हुआ था? अफसर अली। अफसर अली आपके लड़के का कब बुला ले गए थे? मंगल कहीं। मंगलवार को। हाँ। काहे के लिए बुला ले गए थे? कहीं चलो टहले चले। हाँ, टहलने के बहाने बुला ले गए। हाँ, टहलने बहाने बुला ले गए। किसको? भैया कहीं। क्या नाम है? अजमुद्दीन। अजमुद्दीन को बुला ले गए अफसर अली। हाँ, गांव के ही हैं? हाँ, परिवार के हैं? गांव के ही। अच्छा, अफसर अली किसके लड़के हैं? अब्दुल बारी के। अब्दुल बारी के लड़के हैं। हाँ, मोहल्ला के ही निवासी हैं। हाँ, फिर कई बजे बुला ले गए थे? 10-11 बजे सुबह। हाँ, अच्छा, कहाँ लावा घुमावा के नहीं है? 5 बजे से नहीं, भैया गायब कर दी। अच्छा, कहाँ पर रखा? भैया वहाँ ढकली के उठाना, लहास मिली भैया। कब मिली है? कल 11 नवंबर 2022 को। कौन थाना लगता है? सकरन थाने में मिली लाश। कहाँ पर मिली, किसके किस जगह पर? भकली के उठाना के लिए घाट पर, पानी में ही। भकली के उठाना घाट पे शव मिला आपके लड़के का। ठीक है, उसके बाद में आपको सूचना कैसे लगी? सोचना लगी का कहा थे, हुआ का हरहा गिर चरावे, लोगों ने देखा उतराते हुए। हाँ, तो पानी जब भैंस पीस तब भैया के अरमोड़ दिखान बार, तब तन को और उठिए, तब का कहा तो प्रधान तेरे खून के हिस, तो प्रधान खून के ने जब ने प्रोम भैया टहलत रहे टहलावत रहे वही प्रवा कहें, तो वही प्रवा मन है कल्लू, तो कल्लू आए हमारे घर बतावे। अच्छा, हम जान पान। वो प्रधान किस गाँव का है जिसने बताया? मोहल्ला। मोहल्ला का? हाँ, बिट्टी। प्रधान ने बताया आपको? प्रधान ना बताए, हमारे आदमी बताई। जब सब वहाँ मिला तो वहाँ के प्रधान ने बताया? फोन के हैं। किसने फोन किया? उनके तेरी हन। कौन किया? कल्लू तेर। अच्छा, कल्लू के पास फोन आया? कल्लू तेर फोन आवा तो हमारे तेरे आए कहें देखो जब लहास हुआ के किया। तो वहाँ से फोन किसका आया कल्लू के पास? ये नहीं मालूम। ये नहीं आया? अच्छा, ये नहीं मालूम है कि फोन किसका आया। हाँ। फिर आप लोग गए वहाँ पर? हाँ। तो आपने पहचान की? हाँ, देखें तैसे कहने मार भैया। तुम्हार भैया है? हाँ। फिर वो थाना कौन लगता है? सकरन। अच्छा, फिर वो सब का क्या हुआ? पोस्टमार्टम हो गया। हाँ। ठीक बात, अभी आया तो है नहीं सो? हाँ, भैया नहीं आया। तो तुम्हारी कोई इनकी अफसर अली की कोई दुश्मनी थी, पुरानी रंजिश कोई? हाँ, दुश्मनी हमारी इनकी कोई नहीं। तो फिर किस लिए बुला ले गए, कैसे आप आरोप लगा रही? घर से कहीं चलो तुमका टहला ले चला आज लखनऊ। हाँ। क्या उम्र होगी इनकी? आज 26 साल। 26 साल। हाँ। अच्छा, नेहरुआ के लड़का बच्चा। अच्छा अच्छा, तो जब कोई दुश्मनी भी नहीं थी और फिर वो बुला के ले गए, फिर कैसे आरोप लगा रही हो कि मार दिया? हाँ? फिर कैसे मार दिया जब तो कोई भैया आये नहीं राह देखे
रोज आए जात रहे और वो दिन ना आए साथ जात रहे। हाँ, तो मजदूरी करने जाते थे क्या? मजदूरी करते थे कोई? हाँ, मजदूरी करे चले जात रहे जो जो कहते उन्होंने साथ हम। हाँ, 3 बजे फोन करें कहीं गन्ना हम भरते हैं, उन्हीं के साथ में मजदूरी करने जाते थे। हाँ, गन्ना फोन करें 3 बजे उसी दिन। हाँ, उसी हाँ, दिन 3 बजे का नंबर है। हाँ, हमारे ऊपर एप्लीकेशन पर लगा है नंबर। 3 बजे भैया फोन करें कहीं रोटी खा ले आए, कहीं भैया सांझ की रोटी खाइबे आए, गन्ना भरा जाते है ट्राली में हन, गन्ना भर जाए तब आइबे सांझ। ये तुम बताओ, आप पत्नी से बात करते हैं, क्या नाम है तुम्हारा? सोफिया। पुड़िया बहुत खाए हो? पुड़िया खाने की आदत है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा पति है तो तुमसे जब गए थे तो फोन करके गए थे, बताया था कि जा रहे हैं, मगर ऐसे चले गए। फिर आप हम भी मिलाए थे। हम ऐसे से मिलाए, तो बात हुई थी तुम्हारी? हाँ। क्या कहा? हम अभी आए थे। तो पूछा नहीं था क्या कर रहे हो? कहीं रोटी खाए रहे ना, और अब है बारिश। कहाँ रोटी बताया खा रहे हैं? किसके वहाँ? फिर थाने में आपने गुमशुदगी दर्ज कराई थी? हाँ। कई तारीख में? 9 तारीख। 9 तारीख में जो है? हाँ, 9 तारीख। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पूरी तरीके से पीड़ितों के बयान, और काफी चिंतित हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है, इतना परेशान व्यक्ति हैं और हड़बड़ाए हुए हैं, डरे और सहमे हुए हैं, क्योंकि गांव के ही अफसर अली के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और मामला 9 तारीख को इन्होंने गुमसुगी थाने में रेवसा दर्ज कराई थी, और 11 तारीख में नवंबर को उसका शव इनके पुत्र का मिला जो है सकरन थाने में, वहीं पर पुलिस ने पंचायतनामा भर के पीएम के लिए भेज दिया गया है। और वहीं पर जब इस बाबत बात की गई थाना प्रभारी मुकुल प्रकाश वर्मा से, तो उन्होंने बताया कि गुमसुगी दर्ज कर ली गई थी और वहीं पर उसका शव बरामद हुआ, पीएम रिपोर्ट को लिए भेजा गया है, पीएम रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। चौधरी है इनुस। कौन है? इनुस सैन प्रवाह के हैं। हाँ, उनका लड़का अल्ताफ है। अल्ताफ है। हाँ। अच्छा, अल्ताफ से हादसा हुआ है। अच्छा। हाँ। कई लोगों पर आरोप है? कई लोगों पर? 3 जन। कौन कौन? अफसर अली, इनुस, अल्ताफ। अल्ताफ ये गाँव के निवासी हैं? हाँ, वो है पुरवा के निवासी। कौन है पुरवा? शाइनपुरवा के। शाइनपुरवा के हैं। 3 लोगों पे आरोप लगाया जा रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं, लेकिन पुलिस ने वहीं पर पीएम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की बात कही है, और वहीं पर एक मुलजिम को थाने में पूछताछ के लिए लाया भी गया है।